अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एचआर किचन एंड गार्डनिंग। अच्छा, हमारे किचन में बनने जा रहा है चिकन मसाला। आपने पहले भी चिकन मसाला खाया होगा, ये बहुत टेस्टी होता है। आज एक बार हमारे स्टाइल से बनाकर खाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। ये बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। आइए चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं हम चिकन मसाला हमारे स्टाइल में, एचआर किचन के स्टाइल में। यहाँ मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है, 300 ग्राम है ये। इसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है और गरम मसाला लिया है 1 छोटा चम्मच। और मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है और 2 चम्मच मैंने दही डाला है इसमें। इसको मिक्स कर दूंगी अच्छे से और उसके बाद हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। इसमें मैं आधा नींबू डालूंगी, मैंने इसमें आधा नींबू भी ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको मैं आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। आधा घंटा हो चुका है, हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है अच्छे से। आइए चलते हैं, अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम चिकन टिक्का बनाएंगे, फिर उसकी करी बनाएंगे, ग्रेवी। चलिए देखिए, मैंने एक पैन ले लिया था, इसको गैस पर रख दिया, प्री हीट हो चुका है ये। मैं इसमें बटर डाली हूँ, 1 चम्मच मैं इसमें बटर डालूंगी और बटर डालने के बाद हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे। ये देखिए, अब मैं इसमें अपना चिकन ऐड करूंगी। देखिए, मैंने चिकन डाल दिया है, इसको मैं अलग अलग, इसके सारे अलग अलग कर दूंगी सारे पीसेस को। ये देखिए, अब मैं इसको फ्राई करूंगी अच्छे से, अच्छे से इसको पकाऊंगी 10 से 15 मिनट के, सॉरी मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए इसको गैस पे रख दूंगी और इसकी लिड लगा दूंगी और इसको स्लो गैस पे पकने दूंगी। ये देखिए, हमारा 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, वो सॉरी 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसको ओपन कर दिया है और ये सूखने लगा है। इसमें अभी थोड़ा सा मॉइस्चर बाकी है, इसको मैं बिल्कुल से ड्राई कर लूंगी। ये देखिए, अब इसमें ग्रिल मार्क्स आने लगे हैं, मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी। मैं इसको एक बॉल में ट्रांसफर करूंगी। ये देखिए, अच्छे से हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए, मैंने इसको बॉल में ट्रांसफर कर लिया है। आइए चलते हैं, अब हम अपनी करी की तैयारी करते हैं ग्रेवी बनाने की। ये देखिए, मैंने यहाँ 1 बड़े साइज का प्याज ले लिया है, हरा धनिया लिया है और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। इसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, 4 से 5 कलियां मैंने लहसुन के लिए से छोटा छोटा काट लिया है और हरा प्याज लिया है। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ मैंने बेसन ले लिया है 2 से 3 चम्मच, इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। यहाँ टमाटर, 2 टमाटर का मैंने पेस्ट बनाया मीडियम साइज के। और ये मैंने कसूरी मेथी ले ली है, यहाँ मैंने 1 बड़ी इलायची ली है, 1 तेजपात लिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है, 2 छोटी इलायची ली है और दालचीनी के 2 टुकड़े लिए हैं और 4 से 5 मैंने लौंग ली है और कुछ मैंने पिसे मसाले लिए हैं। ये देखिए, मैंने 1 चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है, 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है और 1 थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। मैंने यहाँ पैन चढ़ा दिया था, मैं इसमें ऑयल डालूंगी। देखिए, हमारा ऑयल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें अपना मसाले ऐड करूंगी। सबसे पहले मैं जीरा डालूंगी, जीरे को चटकने दूंगी। अब मैंने सारे मसाले 1 बाय 1 करके, जो खड़े मसाले हमारे हैं सब इसको ऐड कर देना है और इसको 2 मिनट भूनना है, तब तक ये अपना फ्लेवर छोड़ दे इसमें ऑयल में। उसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी। ये देखिए, मैंने प्याज ऐड कर दिया है इसमें, आप देख सकते हैं। और प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन करूंगी अच्छे से।
ये देखिए हमारा प्याज पकने लगा है, मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। ये देखिए हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। ध्यान रहे प्याज जलना नहीं चाहिए, प्याज खराब ही नहीं होना चाहिए। इसमें मसाले ऐड करना स्टार्ट करती हूँ मैं। मैंने सबसे पहले अदरक जो मैंने कद्दूकस किया था वो मैं डालूंगी, और लहसुन डालूंगी, और जो हमारा हरा प्याज है उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और इसको मैं मिक्स करूंगी। और उसके बाद मैंने जो बेसन लिया है बेसन भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और गैस का फ्लेम लो करूंगी, बिल्कुल लो होना चाहिए गैस का फ्लेम। और इसको मैं हल्के हाथ से चलाती रहूंगी और भूनूंगी इसको, ताकि हमारे मसाले जले भी नहीं और अच्छे से भून जाए बेसन भी। अब मैं इसमें जो मेरे पीसे हुए मसाले थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी सारे। ये देखिए मैंने ऐड कर दिए हैं, इसको मैं चलाऊंगी अब हल्के हाथ से चलाती रहूंगी ताकि मसाले हमारे चिपके नहीं। ये देखिए हमारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। आपको प्याज जो है गोल्डन ब्राउन ही रखनी है, क्योंकि जो है वो हमारी बाद में भी प्याज को ब्राउन होना होता है थोड़ा सा, तो गोल्डन ब्राउन ही रखनी। मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है, अब मैं इसको मिक्स करूंगी अच्छे से। ये देखिए हमारे सारे मसाले भुन चुके हैं बहुत अच्छे से, इसको मैं थोड़ा और चलाऊंगी। उसके बाद मैं इसमें टमाटर की प्यूरी जो मैंने बना के रखी थी वो मैं इसमें ऐड करूंगी। ये देखिए हमारे मसाले बिल्कुल बन चुके हैं, मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। ये देखिए मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है, इसको मिक्स करूंगी अच्छे से। ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया है, मैं इसको पकने दूंगी लो फ्लेम पे। देखिए हमारे मसाले भुन चुके हैं बहुत अच्छे से, मैंने इसमें कसूरी मेथी मिक्स कर दी है। ये देखिए हमारे मसाले मिक्स हो चुके हैं, मैं इसमें अपना चिकन जो है वो भी मैं ऐड कर दूंगी इसमें, और इसको मिक्स कर लूंगी, और इसको अब लो फ्लेम पे मैं पकने दूंगी। इसको मुझे थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, अब मैं इसको पकने दूंगी, कुछ ऐसे मिक्स कर दूंगी। गैस का फ्लेम हमारा लो है और इस पे मैं इसे पका रही हूँ। ये जितना अच्छा सा भुनेगा, ये देखिए मैं इसकी लिड लगा के 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था। अब ये हमारा भुनने लगा है, इसका मसाला जो है ऑयल देख लीजिए सरफेस पे आ गया है, आने लगा है, और मसाले हमारे भुनने लगे हैं अच्छे से। इसको हमें थोड़ी देर और पकाना है ताकि जो हमारे चिकन में इन मसालों का फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, पानी डाल के इसको, क्योंकि हमें ग्रेवी सेट करनी है अपनी। अगर आपको जिस तरह से ग्रेवी पसंद है आप उस तरीके से बनाइएगा, आपको अगर थोड़ी ज्यादा पतली पसंद है तो वैसे ही बनाइएगा। और ये देखिए हमारे मसाले भुनने लगे हैं, अब मैं इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ। मैंने फ्रेश क्रीम ली है, आप चाहें तो अमूल क्रीम ले सकते हैं। इसी में मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी और ऐड की है, इसमें ऊपर से डाली है इसका फ्लेवर। ये मैंने थोड़ा सा बटर डाला है, बटर का फ्लेवर इसमें मिक्स होके बहुत अच्छा आता है, क्रीम के साथ बटर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी, और मिक्स करने के बाद मैं इसको पकाऊंगी लो फ्लेम पे, ताकि हमारा ये मसाला जो है क्रीम है सारी मेल्ट हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए मेल्ट होने लगी है, ऑयल के बबल्स आने लगे हैं, ऑयल सरफेस पे आने लगा है। मैं इसकी लिड लगा के 2-3 मिनट तक के लिए इसमें रखूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए हमारा मसाला भुनने लगा है बिल्कुल। अब मैं इसको जो है थोड़ा सा हल्के हाथ से और चलाऊंगी ताकि ये नीचे से चिपके नहीं मसाले हमारे। आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ ऊपर से, इसको अच्छे से भून लूंगी मैं। ये देखिए हमारे मसाले भुनने लगे हैं बहुत अच्छे से, और इसका जो ऑयल है वो सरफेस पे आने लगा है। ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल चिकन मसाला रेडी हो चुका है। आइए चलते हैं इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए हमारा चिकन मसाला रेडी है, बहुत ही टेस्टी बना है, आप देख सकते हैं। इसका टेक्सचर देखिए,
कितना अच्छा आया है इसमें, इसका कलर टेक्सचर कितना परफेक्ट आया है। ये बहुत ही टेस्टी बना है गाइस, आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।